हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। ये रायता बहुत ही टेस्टी होता है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैंने एक लौकी ली है, इसे हम छील लेंगे। ये छील लिया है, अब हम इसे बारीक बारीक कट करेंगे। ये मैंने कट कर लिया है, अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम एक कुकर लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे, कुकर को बंद करेंगे, गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे और दो सीटी लगा देंगे। दो सीटी लग गई है और कुकर ठंडा हो गया है। लौकी बॉईल हो गई है, ये देखिए। लौकी को निकाल देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये हमने दही लिया है, इसमें मसाला डालेंगे। ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट कर लिया है। ये राई दलदली पीस ली है। राई को दलदली पीस कर डालने से रायता बहुत ही अच्छा होता है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम लौकी को इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है, इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, 1/2 चम्मच राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, ये हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसे रायते में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। ये हमारा टेस्टी रायता तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।